You want to change your life, change the way you think. जी हाँ फ्रेंड्स, आप अपना जीवन बदलना चाहते हो तो आपको आपका सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सागर पवार आपका इस चैनल में स्वागत करता हूँ। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाएं। तो आज हम देखने वाले हैं ड्रीम का दूसरा वीडियो, जो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ड्रीम के लिए सोचना पड़ेगा। आप जब तक सोचते नहीं तब तक आपका सपना नहीं बनता। सोचना पड़ेगा आपको क्या चाहिए, सोचना पड़ेगा आपको क्या बनना है, सोचना पड़ेगा आपको कहाँ जाना है, और ये जब आप सोचते हो तो वो बन जाता है आपका सपना। जो आदमी महान सोचता है वो महान बन जाता है, जो आदमी बड़ा सोचता है वो बड़ा बन जाता है। यह प्रकृति का नियम है। राइट ब्रदर्स ने सोचा ही तो था कि कोई चीज़ हवा में उड़ सकती है। महात्मा गांधी जी ने सोचा ही तो था कि देश आज़ाद हो सकता है। मार्टिन कूपर ने सोचा ही तो था कि मोबाइल बन सकता है। टिम बर्नर्स-ली ने सोचा ही तो था कि इंटरनेट हो सकता है। वही सोच उनका सपना बना, और सपना बना तो ये आविष्कार हो गया, और आज हवाई जहाज है, भारत देश स्वतंत्र हो गया है, मोबाइल पर हम बात कर रहे हैं, इंटरनेट चला रहे हैं। अगर इन्होंने कभी सोचा ही नहीं होता तो शायद ये सारी चीज़ें आज नहीं होती। जेम्स एलन ने कहा था कि आप वही बनते हैं जैसा आप सोचते हैं। आप कभी अपनी सोच के आगे नहीं जा सकते। आज तक जो भी मैजिकल इस दुनिया में हुआ है, ऐतिहासिक ऐसी कुछ घटना है यहाँ इस दुनिया में हुई है, वो सब किसी ना किसी की अलग सोच की वजह से ही हुई है। पर दुनिया के 97% लोग जो है वो कभी सोचते ही नहीं है। वो डरते हैं सोचने से, वो डरते हैं सपने देखने से, और इसी कारण वो कुछ अलग और बड़ा कर नहीं सकते। आज से सोचना चालू करो और बड़ा सोचना चालू करो। और बड़ा सोचने के लिए कुछ बातें याद रखें। पहली, अपने आप को कभी सस्ते में ना बेचें। लोग अपने अच्छे गुणों पर ध्यान नहीं देते, वो हमेशा खुद को कम समझते हैं। मेरी हैसियत नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरी उतनी औकात नहीं है, ऐसा वो सोचते हैं। पर ये बिल्कुल गलत है। आप खुद को जितना समझते हैं आप उससे कहीं बेहतर हो, इसलिए खुद को कभी भी बड़ा समझे। आप जो भी शब्द यूज करते हैं वो बड़े होने चाहिए, चमकीले होने चाहिए, उत्साहित होने चाहिए, ज़बरदस्त होने चाहिए। ऐसे शब्द यूज करो जो आगे वाला सुनने के बाद चौंक जाए, आनंदित हो जाए, आशावादी हो जाए, उनमें वो सुनने के बाद एक एनर्जी आ जाए, ऐसे शब्द यूज़ करो। तीसरी बात है, अपना देखने का नज़रिया बदलो। आप ये ना देखो कि आप अभी क्या हो, आप ये देखो आगे जाके तुम क्या बनने वाले हो। क्योंकि दशा से फर्क नहीं पड़ता, दिशा से फर्क पड़ता है। और आपकी अभी की दशा क्या है इससे कुछ लेना देना नहीं है। आगे जाके आप क्या बनने वाले हो इससे बहुत बड़ा मायने रखता है, और ये बहुत बड़ा काम करता है। इसलिए अभी आप क्या हो इसके बारे में बिल्कुल भी ना देखे कि आप क्या हो। आप ये देखो आप आगे जाके भविष्य में क्या बनने वाले हो, ऐसा आपका नज़रिया बनाओ। चौथी बात है, अपना दृष्टिकोण बदले। आप अभी जो काम कर रहे हो, अगर कोई जॉब करते होगे, अगर कोई बिजनेस करते होगे, जो भी आप कर रहे हो उसे आप किस दृष्टिकोण से देखते हो, इसके ऊपर आगे जाके आपका भविष्य बना हुआ है। आप आकर जो काम कर रहे हो उसको बढ़िया तरीके से समझते हो तो, बढ़िया तरीके से देखते हो तो आपका वही काम आगे जाके बहुत बढ़िया होने वाला है। और अगर आप जो काम कर रहे हो उसको तुच्छ लेते हो, कम समझते हो, तो आगे जाके वो आपका काम बहुत ही बेकार होने वाला है। इसलिए जो भी कर रहे हैं उसको देखने का दृष्टिकोण बदलो और बड़ा दृष्टिकोण लेके आओ। पांचवी बात है, छोटी छोटी बातों पर ध्यान ना दे। हम बड़े बनने जा रहे हैं तो बड़े बनते वक्त हमारी जो घर में होने वाली छोटी छोटी बातें होती है, ऑफिस में होने वाली होती है, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे होने वाले होती है, हम जहाँ बिजनेस करते हैं वहाँ पे होते हैं, हम जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ पे जो जो छोटी छोटी बातें होती है, जैसे किसी के साथ बहस होता है, कोई अपमान करता है, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें रहती है, उनमें कभी भी उलझो मत। ऐसी बातों को इग्नोर करो,
और जब आप ऐसे बातों को इग्नोर करने लगते हो तो आपका फोकस क्लियर होता है और आपका ड्रीम, आपका सपना आपके सामने रहता है, आपके ध्यान में रहता है और आपका वो सपना पूरा होता है। इसलिए कभी भी छोटी छोटी बातों पर ध्यान ना दें। इस तरह जब आप सोचते हैं, बड़ा सोचते हैं, तब आप बड़ा बन जाते हैं। ये हमारा ड्रीम का दूसरा वीडियो था, वो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाएं। जय हिंद।